कब बोले सुन फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ अनदर एक्साइटेड वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ इस प्रकार के स्टेटस वीडियो को कैसे बनाएं, वो भी अलाइट मोशन से। तो इस वीडियो के बारे में मेरे को एक भाई ने इंस्टा पर सजेस्ट किया था, तो आज मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस वाला आइकन पर टैप करके 4:5 वाला रेशियो को सिलेक्ट करके क्रिएटर प्रोजेक्ट पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद प्लस वाले आइकन पर टैप करके इमेजिंग वीडियो में जाके आपको आपका इमेज ले लेना है। उसके बाद इसको फिल स्क्रीन कर लेना है। फिल स्क्रीन करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप इसको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह कर लूँ। एडजस्ट करने के बाद अब आपको आपने जो भी वीडियो लिया उस वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इसके लिए प्लस आइकन पर टैप करना है, इमेजिंग वीडियो में जाना है, आपको वीडियो ले लेना है। वीडियो को लेने के बाद अब आपको वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर लेना है। अब आपको वीडियो पर टैप करके वीडियो के लास्ट में चलेना है। उसके बाद अब आपको ये आपका जो फोटो लिया उसको भी हम लास्ट में ले आएंगे। उसके बाद स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आ जाने के बाद अब आपको इमेजिंग वीडियो में जाके आपको ये वाला PNG ले लेना है। PNG को लेने के बाद अब आपको इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना है। आपको PNG की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो इसको थोड़ा सा PNG को थोड़ा सा बड़ा करके इसके बीचों बीच ले लेंगे। बीचों बीच लेने के बाद आपको PNG को भी लास्ट तक ले जाना है। लास्ट तक ले जाने के बाद अब आपको ये PNG और वीडियो को ग्रुप में ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको ये सेकंड वाले जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको टैप करने के ग्रुप में कर लेना है। उसके बाद अब आपको ग्रुप पर टैप करके, एडिट ग्रुप पर टैप करके, आपको वीडियो पर टैप करके वीडियो को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, जो कि आपको ये ब्लैक ब्लैक पार्ट ना दिखे। उसके बाद आपको ऐसा आप रख सकते हो। आप चाहे तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा सेट कर सकते हो। इसके बाद अब आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद पूरा बैक नहीं आ जाना है। उसके बाद आपको एक और बार बैक आ जाने के बाद आपको ये ग्रुप वाला ग्रुप को टैप करके इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद अब आपको वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे रख लेना है। उसके बाद अब आपको प्लस वाला आइकन पर टैप करना है। रेक्टेंगल को चूज करके इसको कलर में जाके, ग्रेडियंट कलर में जाके आपको वाइट वाला है उसको ब्लैक कर लेना है, और ब्लैक है वहाँ पे आपको वाइट कलर कर लेना है। उसके बाद आपको इसको फिल स्क्रीन कर लेना है। फिल स्क्रीन करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो कलर एंड फिल है वहाँ पे जाके आप इसको वाइट कलर को यहाँ पे आपको डिक्रीज कर लेना है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से रखने के बाद आपको ग्रेडियंट को थोड़ा सा इस तरफ ऐसे सेट कर लेना है। उसके बाद अब आपको रेक्टेंगल को वीडियो के नीचे ला देना है। उसके बाद अब आपको रेक्टेंगल को लास्ट तक ले जाना है। लास्ट तक ले जाने के बाद अब आपको आपके वीडियो की लिरिक्स को लिख लेना है। उसके लिए आपको प्लस वाला आइकन पर टैप करना है, टेक्स्ट पर टैप करना है और आपकी लिरिक्स को लिख लेना। तो मैं यहाँ पर लिरिक्स लिख लूँगा, दिल ओवर। तो आपको ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आपको आगे की लिरिक्स को ऐसे लिखने के बाद आपको इसको बीचों बीच ले जाना है। बीचों बीच ले जाने के बाद अब आपको फॉन्ट पर टैप करना है और यहाँ आपको ये वाले फॉन्ट पर टैप कर देना है। आपको ये वाले फॉन्ट चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे कलर में जाके कलर आपको वाइट कर लेना है। उसके बाद आपको राइट पर टैप करना है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो थोड़ा सा बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे रख लेना है। उसके बाद अब आपको लिरिक्स पर टैप करना है। इस वाले आइकन पर टैप करके कॉपी लेयर कर लेना है। उसके बाद आपको पेस्ट लेयर कर लेना है। उसके बाद आपको आगे की लिरिक्स लिख लेनी है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से आगे की लिरिक्स लिख लेता हूँ। आगे की लिरिक्स लिखने के बाद और एक और बार आपको लिरिक्स पर टैप करना है, कॉपी लेयर करना है। उसके बाद आपको लेयर के लास्ट में जाने के बाद आपको पेस्ट लेयर कर लेना है। उसके बाद आपको आगे की लिरिक्स यहाँ पे लिख लेनी है।
तो मैं यहाँ पे आपको सभी के सभी लिरिक्स लिख के मिलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सभी के सभी लिरिक्स लिख लिए। लिरिक्स लिखने के बाद अब आपको इफेक्ट को ऐड करना है। इफेक्ट को ऐड करने के लिए स्टार्टिंग में आ जाना है, फर्स्ट वाले लिरिक्स पर टैप करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है और आपको टेक्स्ट पे चले जाना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग वाले को ऐड कर लेना है। अब आपको लिरिक्स के स्टार्टिंग में एक की लगानी है और लिरिक्स के थोड़े बीचों बीच एक की लगा देनी है, बीचों बीच से थोड़ा पहले एक की लगा देनी है। उसके बाद आपको प्लस कर देना है, प्लस करने के बाद इसको 100 कर लेना है। 100 करने के बाद अब आपको लिरिक्स के टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के नीचे जाने जाना है। नीचे ले जाने के बाद यहाँ पे इसको कंपोनेंट्स को ऐड कर लेना है। उसके बाद नीचे जाने के बाद आपको स्केल को 10 कर लेना है पूरा का पूरा। और इसके बाद आपको नीचे अल्फा में चले जाना है और अल्फा को -100 कर लेना है पूरा का पूरा। पूरा का पूरा करने के बाद अब आपको नीचे नीचे एड्स इन पे जाने के बाद इसको 100% कर लेना है। इसके बाद नीचे इसको रैंडम ऑर्डर को यहाँ पे इनेबल कर लेना है। उसके बाद अब आपको लिरिक्स को एक बार देख लेना है। तो लिरिक्स कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। अब आपको लिरिक्स पर टैप करना है, इफेक्ट में चलेना है। यहाँ पे 3 डॉट पे जाने के बाद अब आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपको सभी के सभी लिरिक्स में यहाँ पे आपको ये वाला इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी कर लेता हूँ। तब तक आपने अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दो। हम यहाँ पे ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैंने यहाँ पे सभी के सभी लिरिक्स में ये इफेक्ट को ऐड कर दिया है देखो। तो बस आपको एक बार फिर से आपको वीडियो यहाँ से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस वाले आइकन पर टैप करके आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएंगे तो आप मेरे को वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अलाइट मोशन के लिए, टेक्स्ट प्रीसेट के लिए आप मेरी ये वाली प्ले लिस्ट तो देख सकते हो। तो चलो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।